क्वेश्चन है द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड इज 6.21 इनटू 10 टू द पावर -21 जूल। द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल एट 227 डिग्री सेंटीग्रेड विल बी। अब ऑप्शन है 52.2 इनटू 10 टू द पावर -21 जूल, ऑप्शन बी 5.22 इनटू 10 टू द पावर -21 जूल, ऑप्शन सी 10.35 इंटू 10 टू द पावर -21 जूल और ऑप्शन डी है 11.35 इंटू 10 टू द पावर -21 जूल। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस 1999 में क्वेश्चन आया हुआ है ये। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देखें। हम जानते हैं पी वी इज इक्वल टू 1/3 और एम एन और वी स्क्वायर बार, ये फार्मूला हम जानते हैं। और अगर मैं यहां पर P is equal to, यहां पर देखें तो 1/3 ऐसे लिख लें और N को यहीं पर लिख लें, N को इंटू में कर लें और यहां पर M कर लें और V स्क्वायर बार कर लें। यहां थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूं और अगले स्टेप में PV is equal to 2 यहां कर लें और 3 इंटू N और इंटू और यहां पर 1/2 और एम वी स्क्वायर बार कर लें और यहां पर देखें हमने क्या चेंज किया है, 2 से यहां डिवाइड किया है और 2 से यहां मल्टीप्लाई किया है। तो यहां पर हमें ये जो एक्सप्रेशन है ये क्या है, ये है एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ वन मॉलिक्यूल। ये क्या है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी है ये। अगर एक मॉलिक्यूल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी है तो हम इसी में अंदर n ले जाएं, अगर इसी में अंदर n लिए जाएं तो क्या हो जाएगा, तो PV इज इक्वल टू 2/3 और अब अंदर में n भी लिए जाएं तो n इंटू 1/2 और एम वी स्क्वायर बार। अब ये क्या हो जाएगा, इसको हम कह दे रहे हैं कि ये पूरी की पूरी एक्सप्रेशन जो है वो कैपिटल ई है। ये पूरा एक्सप्रेशन क्या है, कैपिटल ई है, जिसको हम कह रहे हैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस। जिसको क्या कह रहे हैं, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस। ये क्या है बेटा, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस। ध्यान से देखना, बहुत बारीकी से चल रहा है ये सब चीजें। और PV इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, 2/3 और ये कैपिटल E, ये एक्सप्रेशन हो जाएगा। यहीं से मैं कैपिटल E इज इक्वल टू 3/2 PV कर सकता हूं, 3/2 PV भी कर सकता हूं। ये E याद रहे आपको, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस है और यहां पर हाफ एम वी स्क्वायर बार जो है वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ वन मॉलिक्यूल है। अगर मैं यहीं से और आगे सॉल्व करूं तो आगे सॉल्व करने के लिए हम PV इज इक्वल टू क्या करें बेटा, PV इज इक्वल टू एन आर टी होता है ये फार्मूला। और R इक्वल टू क्या होता है बेटे, R इज इक्वल टू क्या होता है जी, R इक्वल टू होता है के बी और N, क्या होता है के बी एन, यही होता है के बी एन होता है। और फिर मैं ये वैल्यू यहां पर पुट कर दूं तो PV इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, के बी और एन और स्मॉल आर एन भी रहेगा और इंटू टी, ये होता है फार्मूला। और PV इज इक्वल टू हाँ इतना होगा के वी एन इंटू टी। अच्छा एक चीज और हम यहां कर सकते हैं, इसको एन ए कर लेते हैं, इसको क्या कर लेते हैं, एन ए कर लेते हैं। तो PV इज इक्वल टू हाँ यहां से PV इतना हो जाएगा ये। और आगे हम इसको अगर फर्दर सॉल्व करें तो एक चीज हम और जानते हैं कि स्मॉल एन की जो वैल्यू होती है वो कैपिटल एन अपान एन ए होता है, ये भी हम जानते हैं। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपान ऑल गैदर नंबर, तो पीवी इज इक्वल टू ये वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे तो एन अपान क्या हो जाएगा, एन ए हो जाएगा और इंटू के वी और एन ए और टी हो जाएगा। एन ए से एन ए ये कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा हमें, पीवी इज इक्वल टू एन के बी और टी मिलेगा। पीवी की वैल्यू ये एन के बी टी जो है ये उठा के यहां रखेंगे, क्या हमको मिलेगा बेटे, ये हमको मिलेगा ए इज इक्वल टू 3/2
और पीवी की जगह पर क्या रखना है हमको, एन और के बी और टी रखना है। क्या रखना है, इज इक्वल टू 3/2 एन के बी टी। ये जो हमारी यहां पर एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, ये जो है वो क्या है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी है। लेकिन कैसे एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, ये किसी मॉलिक्यूल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि यहां पर के है। अगर हम यहीं पर आर लिख दें, केवल आर लिख दें 3/2 आर और टी, तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा हो जाता है किसी एक मोल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी हो जाती है। मैं इस बात को यहां पर मेंशन कर लेता हूं। तो हमने ये बात मेंशन कर दिया यहां पर कि 3/2 एन के बी टी जो है एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, और यहां पर एन को इसके अपान में लेकर चले जाएं तो यही क्या हो जाता है, ई बाई एन 3/2 के बी टी, जो कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल बनेगा। और ई बाई एन को अगर मैं के से लिखूं तो के इज इक्वल टू 3/2 के बी टी बन जाएगा। ये क्या है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल है। और अगर मैं यहीं पर एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल निकालूं, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल निकालूं, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल निकालूं, तो पर मोल ये कितना हो जाएगा, के इज इक्वल टू 3/2 और ये आर टी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये आर टी हो जाएगा। और यही फार्मूला हमें यूज करना है। देखिए कह रहा है एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली किस पर डिपेंड कर रहा है, वो टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है। अगर ये डायरेक्टली टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है तो कह रहा है कि ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी है, 6.21 इंटू 10^-21 है और 3/2 इंटू आर, और टेम्परेचर उसका कितना है, 227+273। यहां सब कुछ जितने भी पैरामीटर हम यूज कर रहे हैं उसमें अगर टेम्परेचर आता है तो वो टेम्परेचर केल्विन स्केल पर होना है, तो केल्विन स्केल पर कब मिलता है डिग्री सेंटीग्रेड, जब उसमें 273 ऐड होता है। करा था एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। करा एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, 3/2 इंटू आर, जब टेम्परेचर उसका कितना हो गया है, 227 और +273 इतना हो गया है। तो हमें पता है कि ये क्वेश्चन नंबर सेकंड बन गया, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड और फर्स्ट को डिवाइड कर दो, वी विल गेट आंसर। ये डिवाइड कर दिया मैंने, डिवाइड कर दिया तो 6.21 इंटू 10^-21 अपॉन ई, और यहां पर 3/2 आर कैंसिल हो जाएगा और ये 300 अपॉन ये 224 और एक 500 हो जाएगा और ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और ए इज इक्वल टू ऊपर लिख लेते हैं, ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटे, ए इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमको, 6.21 इंटू 5 इंटू 10^-21 और अपॉन 3 हो जाएगा, और 3 से इसको डिवाइड कर दो, 3 2 6 और 0 और ये 7 और ए इज इक्वल टू यहां 7 5 35 और 5 2 10, यहां से पूरा हो जाएगा 10^-21 और जूल। ऑप्शन नंबर ढूंढिए जल्दी से, कौन सा है ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर ये हमेरा सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन बनेगा इस क्वेश्चन का।